सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बंधुओं, आज हम एक श्लोकी रामायणम का पाठ करेंगे। एक श्लोकी रामायणम, इस शब्द से ही ये अर्थ प्रकट होता है कि एक श्लोक में ही पूरी रामायण जिसमें सन्निहित है उसको एक श्लोकी रामायणम कहते हैं। जो रामायण के अत्यधिक प्रेमी हैं, राम से जुड़े रहना चाहते हैं और समय का अभाव है, तो कम से कम वो इस एक श्लोक का उच्चारण प्रातःकाल उठकर यदि भगवान राम के सामने गुनगुनाएं तो उनको पूरी रामायण का पाठ प्राप्त होता है और हमारा श्री राम के साथ संबंध भी बना रहता है। श्लोक के पाठ के साथ साथ मैं आपको श्लोक का परिचय भी बता रहा हूँ कि ये किस छंद का श्लोक है, क्या इसका नाम है, कितने इसमें अक्षर होते हैं। तो बंधुओं, जो ये छंद है, इस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम छंद। आप ध्यान से सुनिएगा, इस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम छंद। प्रत्येक श्लोक चार चरण का होता है, जिस जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि चार पंक्तियां हैं। एक पंक्ति अर्थात एक चरण, दूसरी पंक्ति अर्थात दूसरा चरण, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो चार चरण का एक श्लोक होता है और एक चरण में यति होती है। यति अर्थात थोड़ा सा रुकना होता है। तो जो ये शार्दुल विक्रीडितम छंद है, इसमें एक चरण में 19 अक्षर होते हैं। आप गिन भी सकते हैं, थोड़ा समय का अभाव है, आप स्वयं गिने। आधे अक्षर को न लें, जो संपूर्ण अक्षर हैं उनको यदि आप गिनते हैं तो 19 अक्षर एक पंक्ति में हैं। तो चार चरण का एक श्लोक अर्थात 19 को आप चार से गुणा कर दीजिए, आएगा 76। अर्थात 76 अक्षरों का शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ये संस्कृत का ज्ञान अद्भुत है। अगर आपको ये एक श्लोक पढ़ना आ गया, अर्थात आपको एक शार्दुल विक्रीडितम छंद जिसमें कि 76 अक्षर होते हैं, यदि आपको ये एक श्लोक पढ़ना आ गया, तो इस छंद में शास्त्रों में जितने भी श्लोक हैं आप उसको बिल्कुल सहजता से, संस्कृत से कोई घबराएंगे नहीं आप, बल्कि आपको बड़ा आनंद आएगा, सिर्फ आपको एक शार्दुल विक्रीडितम छंद आ जाए। तो हम अलग अलग दिन में अलग अलग छंदों की चर्चा करेंगे। तो आज हमारा विषय है शार्दुल विक्रीडितम छंद, उसमें एक श्लोकी रामायण का हम पाठ करेंगे। मैं थोड़ा सा परिचय आपको और दे दूं, जैसा कि आदौ राम तपोवनादिगमनम, तो इसी छंद में आपने कई बार सरस्वती वंदना में श्रवण किया होगा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, तो ये भी वो भी यही छंद है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, तो ये एक श्लोक पढ़ने से आपको इस छंद के असंख्य श्लोक पढ़ने का आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा। तो आइए, श्रीयावर रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए हम भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए इस श्लोक को पढ़ें, इसका उच्चारण करें। एक श्लोकी रामायणम् आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगम् काञ्चनम् वैदेही हरणम् जटायु मरणम् सुग्रीवसंभाषणम् बालीने ग्रहणम् समुद्रतरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हनन
संक्षेप में इसका मैं भाव भी बता दूं। आदौ अर्थात प्रारंभ में राम तपो वनादिगमनम, राम को वनवास हुआ, हत्वा मृगम कांचनम, स्वर्ण मृग के पीछे भगवान दौड़े हैं, फिर वैदेही हरणम जटायु मरणम, वैदेही अर्थात सीता जी का हरण हुआ है, जटायु मरणम जटायु का भगवान की गोद में मरण हुआ है, सुग्रीव संभाषणम सुग्रीव के साथ संभाषण अर्थात मित्रता हुई है, बाली निग्रहणम समुद्र तरणम भगवान ने बाली का निग्रह किया है, समुद्र तरणम समुद्र में सेतु बनाकर भगवान लंकापुरी दाहनम लंकापुरी का दाहन हुआ है, और पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम, और उसके बाद द्रावण पश्चात रावण, ये व्याकरण के हिसाब से इसमें जब विग्रह होगा विच्छेद होगा तो पश्चात रावण, उसके बाद रावण और कुंभकर्णम कुंभकर्ण का हननम अर्थात हनन मरण हुआ है, एतद्धि रामायणम, और भगवान श्री राम रावण का वध करके पुनः अयोध्या में विराजमान हुए हैं, राज्याभिषेक हुआ है और दीपोत्सव मनाया गया है, और वैसे भी अब दीपावली आ ही रही है 2 दिन के बाद, तो आपको सभी को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप दीपावली से पूर्व इस एक श्लोकी रामायण को याद करेंगे और भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।